आप देख रहे हैं दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर से आज तक आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चार घंटों तक आज रहा भारत बंद जो किसानों के आह्वान पर किया गया था, इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से 13 किसान नेताओं की मुलाकात बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। एक एक करके 13 नेताओं से उनके सुझाव उनके राय जानेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बताते चले कि कल छठवें दौर की बातचीत दिन में 11 बजे प्रस्तावित है, लेकिन उसके ठीक पहले गृह मंत्री के साथ नेताओं की बातचीत के जरिए क्या समाधान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं की मुलाकात। वो कौन कौन से किसान नेता हैं, एक एक करके जल्दी से उनके बारे में आपको बता देते हैं। 13 कुल किसान नेता, राकेश टिकैत जो लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि गृह मंत्री ने कैसे उन्हें बुलाया मुलाकात करने के लिए। इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये भी जाएंगे गृह मंत्री से मिलने के लिए। हनन मुला, शिव कुमार कक्का जी, बलवीर सिंह राजेवाल, रुल्दो सिंह मानसा, मनजीत सिंह राय, बूटा सिंह बुर्जगिल, हरिंदर सिंह लखोवाल, दर्शन पाल, कुलवंत सिंह संधू, बोध सिंह मानसा और जगजीत सिंह ढलेवाल, इन तमाम नेताओं को गृह मंत्री ने बुलाया है मुलाकात करने के लिए। क्योंकि बीते 5 दौर की बातचीत में कोई भी बीच का समाधान नहीं निकला, सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आज हमने दिन भर देखा कैसे 24 विपक्षी दलों का समर्थन भी आज के इस किसानों के भारत बंद को मिला। जाहिर तौर पर अब जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकालना चाहती है सरकार। हालांकि बार बार देश के केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े मंत्री सामने आकर इस बारे में कहते रहे हैं कि दरअसल ये जो कानून है वो किसानों के हित में है, लेकिन फिर भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ अमित शाह के घर पर आवास पर जहां पर ये बैठक शुरू हो रही है, श्वेता सिंह वहां से मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए दरअसल आज दिन भर की पूरी कहानी को भी आप समझ सकते हैं। एक तरफ 4 घंटे का लंबा चौड़ा भारत बंद जिसका मिला जुला असर दिखा, तो वहीं इस समय अमित शाह के घर पर मुलाकात इन 13 किसान नेताओं की। सीधे श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं, मेरी सहयोगी इस वक्त अमित शाह के आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अब श्वेता, मुलाकात क्या शुरू हो चुकी है, बातचीत का सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है, क्योंकि ये पहली बार है जब खुद गृह मंत्री ने सीधे किसानों को बुलाया है मुलाकात करने के लिए। और चौतरफा जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है सरकार के ऊपर, माना यही जा रहा है कि बहुत जल्द अब बीच का कोई फॉर्मूला सरकार ला सकती है। श्वेता, चित्रा, बातचीत का कोई एजेंडा बताया नहीं गया है, मुलाकात अभी शुरुआत उसकी हुई नहीं है। अमित शाह के घर मिलने के लिए पहुंचेंगे जरूर, और यहीं पर उनका इंतजार हो रहा है कि कितनी देर में तमाम जो किसान के नेता हैं वो सब यहां पर पहुंचे। लेकिन आपको ये बता दें कि एक रुख जो भारत सरकार का रहा है शुरुआत से, वो ये कि देश भर में किसान संगठन इतने हैं कि उनकी गिनती ही इस समय मुश्किल है। औपचारिक आंकड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसान संगठन कितने, क्या सब इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि किसान कानूनों को रद्द कर देना चाहिए या सिर्फ एक राज्य विशेष की यह मांग है। इन सारी चीजों को समझने के साथ सरकार का यह रुख समझ में आता है, क्योंकि कई सारे ऐसे संगठन भी हैं और खासकर जो आज 13 यहां पर आ रहे हैं वो सारे ऐसे हैं जो समझौते के लिए, यानी कि एक तरह से समझिए कि संशोधन के हिसाब से तैयार हो सकते हैं। इन कृषि कानूनों में जो संशोधन हो उससे वो तैयार हो सकते हैं, रद्द करने की मांग वाले नहीं है। अब सीधे तौर पर यह समझिए कि अगर अलग अलग किसान संगठन अलग अलग अपनी मांगे रख रहे हैं, अलग अलग उनका रुख है, तो उसमें अमित शाह से इस मुलाकात का नतीजा क्या यहां पर निकल सकता है। हमारे तमाम संवाददाता यहां पर हर एक पहलू पर नजर रखे हुए हैं। हिमांशु, मैं एक छोटे से आपसे सवाल जान लेना चाहती हूं कि बैठक में कोई एजेंडा बताया गया आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से? देखिए, अभी तक श्वेता मुझे नहीं लगता कि एजेंडा बताया गया, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार जो चाहती थी वो फ्रैक्शन हो चुका है किसान संगठनों में। जो 13 संगठन के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं उनमें से एक यूपी के, एक मध्य प्रदेश के कक्का जी हैं, राकेश टिकैत हैं, 2 संगठन जो हैं वो हरियाणा के हैं, बाकी रेस्ट जो हैं 9 संगठन पंजाब से हैं। यानी कि जो संशोधन के लिए एग्री हैं वो आज मिलने आ रहे हैं, रद्द नहीं संशोधन, ये वो वाली पार्टी। वही चित्रा, जो चीज हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो 13 नाम शामिल हैं वो सब संशोधन के लिए तैयार हैं। और ये भी समझिए कि जो आंदोलन कर रहे हैं वही सिर्फ किसान संगठन नहीं है, समूचे देश के और भी बहुत सारे संगठन हैं। और सरकार जो बात कह रही है कि हम बदलाव के लिए तो तैयार है, रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।